जिनके बारे में आपने अपने जीवन के 50 सालों में अनुभव किया है कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं, आज संकट के काल में जब वो कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को नज़रअंदाज मत करना। वे आपके शुभ चिंतक हैं, आपके माता पिता आपके शुभ चिंतक हैं, आपकी पत्नी आपके शुभ चिंतक हैं, आपके बच्चे भी आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके सच्चे मित्र वो आपके शुभ चिंतक हैं। ये क्या कह रहे हैं? मित्रों की मंत्रणा को समय पर न मानना और सुअवसर को खो देना, ये पश्चाताप के कारण बनते, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुप गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेती, नीचे लिखा था। समय चूकने पर किया गया पश्चाताप समस्या का समाधान नहीं है, अब पश्चाताप से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए तो कार्य बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करने के बदले पूर्व में ही, माने बिगड़ जाने के पहले ही, बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप कर रहा है, आपको रो रहा है, बिगड़ जाने के पहले विचार करता ना क्या किया जाना चाहिए, गलत काम करने के पहले सोचना चाहिए था ना, अब सजा हो रही है तो तू रोता है, लेकिन पहले विचार करना चाहिए था। इसलिए समय रहते सावधान हो जाना ही श्रेयस्कर है। अभी इतना सुंदर वाक्य है, समय रहते सावधान हो जाना ही श्रेयस्कर है। इस वाक्य के तो जितने अर्थ लगाओ उतने लगा सकते हो, जहां जहां लगाना हो सब जगह लगा सकते हो, लेकिन इसका खंडन क्या है ना, बुद्धि कर्मानुसार। लेकिन समय रहते सावधान हो गया ना और सावधान नहीं हो पाया तो फिर बुद्धि कर्मानुसार, अब क्या करोगे बताओ? समय रहते सावधान हो जाओ। समझ लो आप, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं किसी जगह पर लगा रहे हो, कहीं धोखा मिलने की संभावना दिख रही है, दो तीन लोगों ने सावधान भी कर दिया है, फिर भी सचेत नहीं हो रहे हो। समय रहते सावधान हो जाओ धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, रोग और बीमारियों के बारे में समय रहते सावधान हो जाओ, और मौत के बारे में समय रहते सावधान हो जाओ, मौत आने के पहले पहले। फिर जब आंखें बंद ही होने लगेंगी फिर क्या कर लेगा? फिर जब कान काम ही नहीं करेंगे फिर क्या कर लेगा? फिर परिस्थितियां अत्यंत प्रतिकूल हो जाएंगी फिर क्या कर लेगा? अभी समय है। इसलिए कहते हैं दौलत राम जी की लाइनें, बस को सुना करके बात को विराम देता हूं। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो, छेड़ाला की लाइनें हैं दौलत राम जी की। जब तक रोग नहीं आ जाए और जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक ही जीव उससे पहले पहले आत्महित की तरफ लग जाना चाहिए। और आत्महित में आत्म क्या है सबसे पहले यह गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्म को समझे बिना आत्महित होता नहीं है। हम सभी अपने स्वरूप को समझकर अपना हित करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना से।